ओके देन, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन पब्लिक। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो? लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। चालू चालू चालू। सो वी आर नाउ एट अ वेरी क्रूशियल जंक्चर, जहां पे अपन लोग ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था म्यूचुअल फंड्स। बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा टॉपिक है, गारंटीड आपको 10 मार्क्स दे के ही जाएगा। तो क्या क्या अपन लोग ने पढ़ा था उसका एक क्विक रिविजन ले लेते हैं 5 मिनट्स में मैक्सिमम, एंड देन वी विल मूव ऑन फॉर टूडेज सेशन। सो पहले रिविजन का रिविजन। सो इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट प्ले सच एन इंपॉर्टेंट रोल, एंड वो रोल अब अपने को समझ में आ गया है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लिक्विडिटी कर्ब करने के लिए, लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, एंड देन द होल थिंग फॉलोस। सो ये चीज अपने को अभी प्रॉपर क्लैरिटी है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 to 10 मार्क्स का वेटेज है, एंड अगर एज एन इन्वेस्टर मुझे इन्वेस्ट करना है इन वेरियस एसेट क्लासेस लाइक एक्विटी शेयर्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बट इंडिविजुअली या तो मेरे पास टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है या दोनों भी नहीं है, देन इन दैट केस द बेस्ट थिंग टू डू इज इन्वेस्ट वाया म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स एक जरिया है जहां पे मैं अगर इफ आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, द म्यूचुअल फंड विल अपॉइंट अ स्पेशलाइज फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, जिसका काम ही होगा टू चैनलाइज आवर इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर जगह पे डालेगा इन ऑल सच प्लेसेस। तो सर अपन नहीं डाल पाए तो वो कैसे डालेगा? बिकॉज ही विल हैव अ ह्यूज कॉर्पस, क्योंकि अपने जैसे छोटे 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 और बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे, वो सबका मनी पूल हो जाएगा। ही विल गेट अ गुड इन्वेस्टेबल सरप्लस, ही विल इन्वेस्ट द मनी, राइट, एंड जो भी रिटर्न आएगा वो रिटर्न अपने को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। बट उस चीज के लिए दैट प्रोफेशनल मैनेजर विल चार्ज अ सर्टेन प्रोफेशनल फीस, जिसको अपन बोल सकते हैं फंड मैनेजर फीस। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? चल, सो ये बेसिकली होता है अपना म्यूचुअल फंड्स। फिर बाद में और भी चीजें अपन लोग ने समझने की कोशिश की कि प्रैक्टिकली हाउ डज इट वर्क, कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग इन्वेस्टेबल फंड्स हु वांट टू अर्न अ रिटर्न, हु वांट टू इन्वेस्ट इन वेरियस सेक्टर्स बट दे डोंट आइदर हैव टाइम और नॉलेज और बोथ टू मैनेज अबाउट क्राइटेरियाज, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर वेन कैटविच इन नेदरलैंड्स, हु पर्सनली हैड नॉलेज एंड टाइम, एंड फॉर अ प्रोफेशनल फीस एंड अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसने अपना सिस्टम चालू कर दिया। 2000 यूनिट्स, एक यूनिट का 1000, 15 to 20 यूनिट के बीच, अगस्त के बीच में आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आज अपन लोग जो देख रहे हैं वो बंदे ने आज से कितने इयर्स, 200 मोर देन 200 इयर्स पहले वो कर चुका है, 150 इयर्स पहले कर चुका है। सुपर। चलो फिर वही टिपिकल अपन लोग ने सब चीजें लिख ली जो थियोरेटिकल चीजें थी, आई एम श्योर यू नो ऑल ऑफ दिस। हाँ, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के यूनिट्स में, याद रखना जैसे इक्विटी शेयर्स को शेयर होल्डर्स बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज यूनिट होल्डर्स। ओके, यूनिट्स एंड यूनिट होल्डर्स, गॉट इट? ओके, चलो। सिंस द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू NFO पीरियड, सच टाइप ऑफ फंड्स आर कॉल्ड एज क्लोज्ड एंडेड फंड्स। So, अगर वो जो ड्यूरेशन है से 15th August to 25th August जैसा अपना वेन कैटविच का था, वो बोलता है उसी पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना है, देन इन दैट केस बेसिकली ही हैज लॉन्च्ड अ क्लोज्ड एंडेड फंड। तो ओपन एंडेड फंड क्या होगा? यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम, एंड दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन कंपनी इन बॉस्टन, इन बॉस्टन। ऑलराइट गाइस, चलो। सो ओपन एंडेड फंड क्या होता है? In a mutual fund where any time purchase and sale is possible is called as a open-ended mutual fund. And आज का session अपन start ही इन दोनों के distinction से करने वाले हैं. If an investor wants to invest in mutual fund, he will have to purchase units.
एंड लास्ट में लास्ट लेक्चर में जाते जाते अपन लोग ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ नेट एसेट वैल्यू, द प्राइस और वैल्यू एट विच द म्यूचुअल फंड विल बी परचेस्ड स्लैश सोल्ड इज कॉल्ड एज नेट एसेट वैल्यू. सो याद रखना यहां पे, इफ यू वांट वी कैन जस्ट राइट इट डाउन, परचेज स्लैश सोल्ड. चलो, शेयर प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होता है, गोल्ड प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होता है, वैसे ही हमारे म्यूचुअल फंड का नैव भी डेली बेसिस पे चेंज होता है. शेयर प्राइस एवरी सेकेंड चेंज होता है, जो टाइम पे ट्रेडिंग पीरियड है उसका. क्या नैव भी एवरी सेकेंड चेंज होता है? आज जानेंगे ये सब चीजें. चलो, फिर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था जहां पे अपन लोग ने एक बेसिक लेवल पे नैव कैलकुलेट करना सीखा था. राइट गाइस, चलो. सो आई होप इधर तक थोड़ा बहुत तुम लोग ने भी खुद से रिवाइज किया होगा एंड वी आर लुकिंग गुड. इतना जो भी करवाया है सब समझ में आ गया होगा. नाउ ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर टुडे सेशन. जस्ट अ मोमेंट. चल, लेट्स स्टार्ट. चल, लेट्स स्टार्ट. ओके, अच्छा अब आप लोग मुझे बताओगे डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड. प्लीज राइट एंड टेल मी. ठीक है, एवरीबॉडी हैज टू राइट एंड टेल मी डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, बेसिक डिफरेंस. फिर मैं उसको और एलैबोरेट करूंगा. सो ओपन कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स. टेल मी, इसमें अपन डिफरेंस कर रहे हैं फाइंड आउट करने की कोशिश बिटवीन ओपन एंडेड फंड्स एंड क्लोज एंडेड फंड्स. दूसरा क्वेश्चन, व्हेन कैटविच ने जब नेदरलैंड्स में अपना म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट किया, व्हाट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड डिड ही स्टार्ट? डिड ही स्टार्ट विद अ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड और इट वॉज अ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड? थिंक एंड टेल मी. वेरी गुड. So, एक आंसर एकदम मस्त लिख के आया है, एकदम स्पॉट ऑन आया है. क्लोज्ड एंडेड फंड्स कैन बी परचेज्ड ओनली ड्यूरिंग एनएफओ. एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर. वो जो ड्यूरेशन है, जैसे अपने वेन कैटविच में के केस में 15 टू 25 अगस्त था, बस वही टाइम पे आप परचेज या सेल कर सकते हो. ओके, पीरियड इज फिक्स्ड फॉर क्लोज्ड एंडेड. करेक्ट. पीरियड फॉर व्हाट? पीरियड फॉर परचेजिंग द म्यूचुअल फंड यूनिट्स. In closed ended there is fixed time, but in open ended there is no time period for purchased. Okay. Kiran is saying, sir, closed ended mutual fund was started by Mr. Van Katwich in Netherlands. Open ended can be purchased anytime. Open ended can be sold anytime. Anytime trade is equal to open ended fund. Tum log sab log ne, let me tell you, एकदम करेक्ट आंसर्स दिए. बस आज उसी को थोड़ा सा और एलैबोरेट कर रहा हूं. तुम लोग को मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, तुम लोग उसके जवाब देते जाना प्लीज. ठीक है, चलो आओ. अब अगर मेरे को डिफरेंस लिखना है, से बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, तो
तुम लोग का पहला डिफरेंस तो मुझे मिल गया, उसके अलावा और क्या-क्या चीजें लिख पाओगे बोलो? ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, चलो आओ। पॉइंट ऑफ डिफरेंसिएशन बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। यस, क्लोज एंडेड वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट। चलो अभी मेरे साथ लिखते जाना। सबसे पहला चीज दैट यू हैव रिटन इन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड डिफरेंस। चलो पहले मैं क्लोज एंडेड लिखता हूं, फिर ओपन एंडेड। अब मैं कुछ पॉइंट्स पूछते जाऊंगा, आंसर तुम लोग को देना है, एंड दैट विल बिकम अ पॉइंट ऑफ डिफरेंसिएशन। ठीक है? क्लोज एंडेड, कैन इट बी परचेज्ड एनी टाइम एंड सोल्ड एनी टाइम? नो, देयर इज अ लॉक इन पीरियड। वो लॉक इन पीरियड के अंदर, मतलब आपने एक बार परचेज कर लिया, फिर वो लॉक इन पीरियड के अंदर यू कैन नॉट सेल द क्लोज एंडेड फंड। ठीक है? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज मैंने कोई क्लोज एंडेड फंड लिया और मेरे को अर्जेंटली पैसे की जरूरत आई, ठीक है, देन इन दैट केस व्हाट विल आई डू? देन व्हाट विल आई डू, टेल मी। अगर मेरे को अर्जेंटली पेमेंट चाहिए तो मैं ओपन एंड क्लोज एंडेड के केस में, तो तुम लोग बोल रहे हो सर वो तो फिक्स्ड ड्यूरेशन है, वही टाइम पे आपको परचेज एंड सेल करना पड़ेगा। ये अपन लोग ने लिखा है भाई, फिक्स्ड ड्यूरेशन है, एनएफओ के टाइम पे ही उसको परचेज या सेल होना चाहिए, बराबर है? तो क्या करेंगे, हाउ विल आई सेल इट? वी हैव रिटन नो मेघना दैट वी कैन सेल इट और परचेज इट ओनली ड्यूरिंग द एनएफओ पीरियड। सो मैंने परचेज तो कर लिया एनएफओ पीरियड में, अब मेरे को 3 महीने बाद बेचना है। अब बोलो मैं क्या करूं, कैसे बेचूं ये क्लोज एंडेड फंड को, कहां बेचूं? नाउ लेट मी गिव यू अ न्यू कॉन्सेप्ट, विच इज दैट अगर ओपन एंडेड फंड हुआ ना, तो द परचेज एंड सेल, या उसको रिडेम्पशन भी बोलते हैं, दैट कैन बी डन डायरेक्टली थ्रू द म्यूचुअल फंड कंपनी। बट ये जो क्लोज एंडेड फंड है ना, ये क्लोज एंडेड फंड में आपको म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी तो एनएफओ के टाइम पे ही परचेज या सेल लेता है। तो अगर उस ड्यूरेशन में से एनएफओ के बाद अगर मेरे को कोई भी मेरा क्लोज एंडेड फंड को परचेज करना है या सेल करना है, आई कैन गो इन द ओपन मार्केट, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट में मैं बाय सेल कर सकता हूं एट वॉट एवर मार्केट प्राइस दैट म्यूचुअल फंड यूनिट विल बी अवेलेबल टू मी, और आई कैन सेल इट टू द कंपनी। मतलब जो भी उसका बाइंग प्राइस, जो भी उसका सेलिंग प्राइस होगा, वो प्राइस पे होगा, एंड दैट बेसिकली इज बेस्ड ऑन द स्टॉक मार्केट। तो मतलब स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग हो जाएगा ये क्लोज एंडेड फंड का, उधर जो भी कोई बायर रहेगा सेलर रहेगा, वो लोग एक दूसरे के साथ ये बाय सेल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? बट वो जो बाय सेल का प्राइस होगा, होगा वो नैव के आसपास ही, बट दैट बेसिकली विल बी कॉल्ड एज द मार्केट प्राइस। कुछ समझ में आया तुम लोग को? नहीं नहीं स्वरूप, प्लेज नहीं, तू मार्केट में जा, मार्केट में क्लोज एंडेड फंड्स बाय सेल हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी बोलते हैं हमारे पास बाय या सेल करने के लिए मत आना, हमारे पास बाय या सेल करने के लिए मत आना। गॉट इट गाइस? सो फर्स्ट
lock in फर्स्ट पॉइंट है लॉक इन पीरियड, कैन बी बॉट और रिडीम्ड स्लैश सोल्ड एट, सॉरी एट एनी टाइम नहीं, तो ऐसे ही लिखता हूं, कैन बी बॉट और परचेज्ड और सोल्ड और परचेज्ड ड्यूरिंग एन एफ ओ पीरियड एंड रिडीम्ड और सोल्ड ओनली आफ्टर लॉक इन पीरियड. लिखो लिखो फटाफट एंड ओपन एंडेड में. कैन बी बॉट और रिडीम्ड एट एनी टाइम. एनी टाइम directly from the mutual fund company. चल प्लीज राइट डाउन. ठीक है चल नेक्स्ट. सो अगेन आई एम आस्किंग यू, अगर मेरे पास क्लोज्ड एंडेड फंड है एंड एनएफओ का पीरियड खत्म हो गया है, देन इन दैट केस कैन आई बाय एंड सेल क्लोज्ड एंडेड फंड, यस और नो? नो है तो बात ही खत्म. इफ यस देन हाउ, यू हैव टू आंसर. कौन? कम ऑन गाइस, अभी मैंने बताया आप लोगों को. चलो ओपन एंडेड फंड तो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाके जब चाहू परचेज, जब चाहू सेल रिडीम कर सकता हूं. क्या क्लोज्ड एंडेड फंड भी ऐसा ही कुछ है? एनएफओ पीरियड खत्म हो गया बट उसके बाद भी जब चाहू परचेज, जब चाहू सेल कर सकता हूं क्या? यू हैव टू आंसर. कम ऑन गाइस, आई एम वेटिंग. यस वेरी गुड स्वरूप. यस सर, सेकेंडरी मार्केट से आप कर सकते हो. सेकेंडरी मार्केट मतलब कोई भी आउटसाइड मार्केट से आप कर सकते हो. ठीक है. यस यस यस, राइट द फुल थिंग. यस, कहां से कर सकते हैं अपन? सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्टली नहीं कर सकते,
बट बाहर के मार्केट से कर सकते हैं. बाहर के मार्केट से अपन लोग परचेज या सेल करेंगे, सो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इट विल बी कॉल्ड एज नैव और इट विल बी कॉल्ड एज मार्केट प्राइस. ठीक है ना? अगर म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्टली किया देन इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज परचेज और सेल एट नैव, नेट एसेट वैल्यू. बट अगर बाहर से किया देन इन दैट केस होगा वो नैव के आसपास ही, बट इट विल बी कॉल्ड एज मार्केट प्राइस. वो बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई के ऊपर होगा. तो कई बार नैव से थोड़ा ज्यादा डिमांड हुआ तो ज्यादा पे भी बिक सकता है, कम डिमांड हुआ तो कम पे भी बिक सकता है, एग्जैक्ट प्राइस पे भी बिक सकता है. ज्योति, नहीं, क्लोज्ड एंडेड फंड नैव पे सेल नहीं होता है. क्लोज्ड एंडेड फंड डिमांड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट प्राइस पे सेल होता है. हाँ, होता वो मार्केट प्राइस का जो नंबर्स है वो नैव के आसपास ही है, बट इट इज नॉट नैव, इट इज मार्केट प्राइस के आसपास. सो वी सेल इट इन द मार्केट और वी परचेज इट इन फ्रॉम द मार्केट एट मार्केट प्राइस इन केस ऑफ अ क्लोज्ड एंडेड फंड. समझ में आई बात? बोलो बोलो, चल चल. चलो अब लिखते हैं ये चीज अभी. क्लोज एंडेड फंड. अच्छा आप मुझे बताओ, आप क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे या ओपन एंडेड फंड? Everybody is saying, sir, we will want to invest in the open-ended fund. कौन झिक झिक चाहेगा? Well, the answer is right. आज की तारीख में maximum जो funds है, they are all open-ended. कौन बंधना चाहेगा? है कि नहीं? So you guys are right. But ऐसा नहीं है closed-ended fund नहीं है. अपने को idea होना चाहिए, knowledge होना चाहिए भाई closed-ended fund भी क्या होता है. Got it, guys? Done. Done, 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 done. नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. चलो नेक्स्ट. अच्छा, क्लोज्ड एंडेड फंड में नंबर ऑफ यूनिट्स लिमिटेड रहेंगे या अनलिमिटेड रहेंगे? ऑब्वियसली लिमिटेड रहेंगे, बिकॉज एक बार मैंने इश्यू कर दिया एनएफओ के टाइम पे, फिर म्यूचुअल फंड कंपनी तो और इश्यू नहीं कर सकती. फिर तो वही नंबर ऑफ यूनिट्स बाय सेल इंटरनली होते रहेंगे मार्केट प्राइस पे, बराबर है. बट ओपन एंडेड फंड में क्या होगा, हो सकता है कि कोई रोज कोई नया नया इन्वेस्टर आते जाए, रोज मैं यूनिट्स इश्यू करता जाऊं. हो सकता है किसी दिन पे कोई आए जो रिडीम करना हो किसी को, तो मैं उसको पैसा भी दे दूं, या रोज नया नया इन्वेस्टर आते जाए. सो कोई लिमिट नहीं है इन ओपन एंडेड फंड, बट क्लोज एंडेड फंड में लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स ही रहेगा. समझे?
चलो डन, लिखते जाना साथ साथ में। चलो नेक्स्ट, लिक्विडिटी, किसमें ज्यादा लिक्विडिटी है बोलो? तो क्लोज एंडेड फंड, मैं मार्केट में ही बेच सकता हूं, और अगर मेरे को बेचना हो तो मार्केट में कोई बायर रेडी होना चाहिए, ठीक है? बट ओपन एंडेड फंड तो मेरे को डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से परचेज करना है, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी को बेचना है। सो म्यूचुअल फंड कंपनी विल ऑलवेज बी रेडी टू बाय एंड रिडीम द यूनिट्स, सो इट इज मोर लिक्विड। मार्केट का भरोसा नहीं है, कभी बायर हो कभी सेलर हो ना हो। सो इन केस ऑफ क्लोज एंडेड फंड इट इज लेस लिक्विड, लेस लिक्विड। एज एज देयर शुड बी अ बायर एंड सेलर अवेलेबल। हाईली लिक्विड, एज बाइंग एंड सेलिंग कैन बी डन डायरेक्टली थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनी। यस, टेल मी, जो भी क्वेरी है पूछ सकते हो आप डायरेक्टली। ठीक है, फिर क्लोज एंडेड में एक वर्ड है फंड साइज। तो फ्रेंकली स्पीकिंग क्लोज एंडेड का फंड साइज फिक्स्ड होता है, ओपन एंडेड का फंड साइज फ्लेक्सिबल होता है। यहां पे फंड साइज फिक्स्ड है, यहां पे फंड साइज फ्लेक्सिबल है। सो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं आप लोग के साथ बोलना चाहूंगा। सर सेकेंडरी मार्केट में हाउ डज इट वर्क? तो इक्विटी शेयर्स आप लोग ने देखा होगा, तो इक्विटी शेयर्स का ट्रेडिंग कैसे होता है, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स ऑप्शंस का ट्रेडिंग कैसा होता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पे सेकेंडरी मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है? ना आपको पता है कौन बायर है, ना आपको पता है कौन सेलर है, ना उसको पता है आपको बाय करना है सेल करना है, कुछ भी नहीं है। तो आपको एक ट्रेडिंग विंडो दिया जाता है, समझो आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, तो डीमैट में, डीमैट के अंदर जो आपका डीमैट अकाउंट होता है ना, जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे ही शेयर्स का एक डीमैट अकाउंट होता है, यूनिट्स का एक डीमैट अकाउंट होता है। उस शेयर्स, उस डीमैट अकाउंट में तेरे नाम पे शेयर्स होगा, तेरे नाम पे यूनिट्स होगा। वो अगर आपको सेल करना है तो आपको एक से, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक ब्रोकर है, उसके वेबसाइट पे जाके आपको डालना है कि भाई आई वॉन्ट टू सेल इतना इतना यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। वो कोई ना कोई बायर जो होगा ना, उसको दिखेगा कि हाँ भाई कोई बेचने वाला है और किसी और को बाय करना है, एंड देन वो प्राइस डिसाइड करके
इट इज सोल्ड. सो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है वो प्राइस के ऊपर डिसाइड करके इट इज सोल्ड और परचेस्ड इन द सेकेंडरी मार्केट उसको बोलते हैं. और प्राइस अगर सेकेंडरी मार्केट है मतलब कुछ ना कुछ तो प्राइमरी मार्केट होना चाहिए. प्राइमरी मार्केट मतलब वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी इटसेल्फ. सो वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से ही अगर अपने को डायरेक्टली बाय सेल करना है दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द प्राइमरी मार्केट. ठीक है, समझ में आया? चलो डन. ओके, अब आ जाते हैं वापस से मुद्दे के ऊपर. आज अपने को सम्स करने हैं, कुछ फॉर्मूलास भी करने हैं. उसके पहले मैं सबसे पूछना चाहूंगा नैव का फुल फॉर्म. फटाफट बताओ नैव का फुल फॉर्म क्या है. ओके, नेट एसेट वैल्यू. अच्छा, उसके बाद आप लोग बताओगे नैव का मतलब क्या है. चलो, नैव का फुल फॉर्म तो पता चल गया. नैव का फुल फॉर्म तो पता चल गया, अब इसका मतलब बताओ. देख, प्राइस और वैल्यू ऑफ एवरी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड विच इज परचेज्ड और सोल्ड बराबर है. वैल्यू एट विच यूनिट्स आर परचेज्ड और सोल्ड, परफेक्ट. ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन आप लोग सब लोग से, क्या नैव डेली बेसिस पे चेंज होता है क्या? गाइज, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास. आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, क्या नैव डेली बेसिस पे चेंज होता है क्या? द आंसर इज यस. डज नैव चेंज एवरी डे? द आंसर इज यस. कब चेंज होता है? क्या ये भी स्टॉक मार्केट के जैसे एवरी सेकेंड चेंज होता है क्या? ठीक है ना, सुनो. अब से फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या है? शेयर मार्केट का टाइमिंग 9:30 AM टू 3:30 PM. ठीक है ना, ये थोड़ा कभी कभी फ्लक्चुएट भी होता है. सो 9:30 AM टू 3:30 PM के अंदर शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स है, जो शेयर है, वो प्राइजेस उनका एवरी सेकेंड चेंज होता है. हाँ, एवरी सेकेंड वो लोग का प्राइस चेंज होता है, वो 9:30 AM टू 3:30 PM के बीच में. क्या म्यूचुअल फंड्स के साथ भी ऐसे ही होता है क्या? द आंसर इज नो. एवरी डे चेंज होता है, बट एवरी डे के एंड पे हर म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना नैव कैलकुलेट करने का, और वो नैव कैलकुलेट करके सेबी को सबमिट करने का, सेबी उसका वैल्यू चेंज कर देगा. ऐसे एवरी डे 3:30 PM को हर म्यूचुअल फंड कंपनी अपना नैव सेंड करती है, और फिर बाद में सेबी उसको पब्लिश कर देती है मार्केट में. समझ में आई बात तुम लोग को, एवरीबॉडी? सो डज नैव चेंज एवरी डे? यस, नैव इज कैलक्यूलेटेड every day at 'end of trading session. NAV is calculated every day at end of every ट्रेडिंग सेशन.
एट एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन। एंड नाइव कैसे कैलकुलेट करना है, कल एक सम देखा ही था और भी आप अपने को यही सब देखना है। ठीक है, डन। चलो नैव का फॉर्मूला कुछ याद है? नैव का फॉर्मूला याद है? लास्ट सेशन में किया था अपन लोग ने, नैव कैलकुलेट करना सीखा था। फॉर्मूला याद है क्या? करेक्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। डन। चल अब चलो अब ये मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कैसे कैलकुलेट होता है, आओ देखते हैं। अब सुनो, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या होता है चलो वो बताओ, और उसके हिसाब से अपन उसका मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाएंगे। बोलो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कहां कहां पे एक म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करती है, बोलो। क्या ना इसे इक्विटी शेयर्स में, वेरी नाइस। सो अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया सो उसका मार्केट प्राइस प्लस इक्विटी शेयर से और क्या मिलता है अपने को, डिविडेंड। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस इनकम अर्न्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। सो आज अपन लोग ने वही फॉर्मूला में और एक चीज ऐड की है। प्लस प्लस इनकम अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। इक्विटी शेयर्स मार्केट प्राइस ई ऑफ इक्विटी शेयर और उसका डिविडेंड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स।
इक्विटी डिविडेंड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। ऑडिट फिर और ये तो एक एवेन्यू हुआ इन्वेस्टमेंट का। और कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? कैन आई से डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में? सो चलो आओ सेकेंड। सो डिबेंचर्स बॉन्ड्स, इसका भी मार्केट वैल्यू होता है, वो अपन लोग जब वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें भी मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड प्लस इंटरेस्ट जो मिलने वाला है ये बॉन्ड या डिबेंचर से। सो इंटरेस्ट अक्रूड फ्रॉम बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। गॉट इट? चलो और कुछ, और कोई इन्वेस्टमेंट बाकी? तो ऐसे तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। अदर मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस इनकम, अदर मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट स्लैश मिसलेनियस इनकम, ठीक है? मतलब और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया हो उसका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वैल्यू प्लस उसका इनकम। यस डन। बट ये तो खाली आप लोग ने इनकम की बात की, क्या म्यूचुअल फंड कंपनी के भी कोई खर्चे होते होंगे क्या? द आंसर इज यस। म्यूचुअल फंड कंपनी के भी तो खर्चे होंगे ना, इतना बड़ा ऑफिस लेते हैं वो लोग भी, इतना सारा एडवर्टीजमेंट करते हैं, इतना आप लोग फॉर्म वॉर्म भरते हो, फंड मैनेजर का फीस या जो भी है सब आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना? एक इसमें याद रखना, इनकम में अगर लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर्स और अदर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सारा इनकम का पार्ट हो गया, ये सारा इनकम का पार्ट हो गया। ठीक है, सो अपन इसको लिख देते हैं वर्किंग नोट वन, यहां पे अपन लोग लिख देते हैं वर्किंग नोट वन। अब आ जाते हैं अपन लोग वर्किंग नोट टू पर। वर्किंग नोट टू एंड दैट इज एंड दैट इज एक्सपेंसेस। सो यहां पे आपको याद रखना है दैट एक्सपेंसेस माइनस भी होंगे। ठीक है, आपको क्या लग रहा है? खाली पैसा आएगा ही आएगा क्या? आए आएगा तो जाएगा भी। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस इनकम अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स प्लस नहीं रादर माइनस द
एक्सपेंसेस स्लैश आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। So working note 2, related to expenses of mutual fund. So expenses, so इधर लिख देते any expenses slash outstanding liability will be deducted while calculating NAV. While calculating NAV. ठीक है, डन। सो इन शॉर्ट नैव इज इक्वल टू वर्किंग नोट 1 माइनस वर्किंग नोट 2 डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट। सही जा रहा हूं मैं? अभी क्लियर गाइस? एकदम दिमाग में सेट हो गया है? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? वर्किंग नोट 1 की सारी चीजें ऐड, अगर कोई एक्सपेंसेस है ऐसा कुछ है लेस, नैव आ गया, बात खत्म। प्लीज कॉपी। चलो कॉपी करके हो गया है तुम लोग का कि बाकी है? और इसी बात पे अब अपन लोग आ रहे हैं ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 1। लेट द गेम बिगिन। क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्ट हो चुके हैं, आइए। आइए 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 आइए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इनिशियल सवाल का जवाब हो सकता है, एलेक्सा स्टॉप। हाँ हो सकता है, अरे क्या हो सकता है। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, इजी। ओ रिंकी, चलो चलो। द पोर्टफोलियो ऑफ फंड आर अवेलेबल स्टॉक ए। पोर्टफोलियो का मतलब एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास टोटल कितने इक्विटी शेयर्स है। स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी, स्टॉक डी, चार तरह के शेयर्स अवेलेबल है, उनका प्राइसिंग भी दिया है। द फंड हैज अक्रूड मैनेजमेंट फीस विद पोर्टफोलियो मैनेजर टोटलिंग ₹30,000। देर आर 40 लाख यूनिट आउटस्टैंडिंग। आपको कैलकुलेट करके बताना है what is the NAV of the fund if the fund is sold without a load, what is the sale price। aap pehle khali what is the NAV of the fund calculate karoge, khud se try it out, giving you all 2 minutes, your time starts now।
चलो डन, ट्राई किया आप लोग सब लोग ने? वेरी गुड मेघना, अदर्स? अब सबसे पहले आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा. सो कभी भी आपको जो सॉल्यूशन चाहिए उसके पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ो. एंड इट इज कैलकुलेट द नैव ऑफ द फंड. सो नैव कैलकुलेट करना है तो पहले नैव का फॉर्मूला लिख लो. क्या नैव का फॉर्मूला अपने को पता है? द आंसर इज येस. चलो लेट्स राइट डाउन द सॉल्यूशन सिस्टमैटिकली. नैव इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस स्लैश लायबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है, पहले एक फॉर्मूला लिख लेना सो दैट द एग्जामिनर गेट्स कॉन्फिडेंस दैट यस यू नो इट. अब वर्किंग पार्ट आओ. अब मार्केट वैल्यू बोला है ना ऑफ इन्वेस्टमेंट. अपने केस में इन्वेस्टमेंट क्या है? शेयर्स. अपने ये वाले क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट क्या है? शेयर्स. तो उसके बारे में लिखते जाएंगे. आइए मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स. शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू. ए बी सी डी बोलो कितने शेयर्स है ए के? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख. ठीक है, मार्केट प्राइस 35, 40, 20, 25. चल बोलो. सेवेंटी लाख, 1 करोड़, 20 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 50 लाख. चल 70 प्लस 1 करोड़ 20, 190, 270, 370 एंड 4 करोड़ 20 लाख. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 4 करोड़ 20 लाख. डन.
चलो अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? द आंसर इज यस, द फंड हैज अक्रूड, सो अक्रूड एक्सपेंसेस हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, ऑल ऑफ दैट विद पोर्टफोलियो मैनेजर टोटलिंग रुपीज 30,000. सो ये भी गिवन है, डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, 40 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, ये भी गिवन है. सो अब कैन आई से नैव कैलकुलेट करने के लिए वी आर ऑल सेट. सो इट इज 4,20,00,000 लेस 30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 40 लाख. तो बोलो कितना होता है? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मेरा कैलकुलेटर किधर है? ₹10.4925 पर यूनिट. कैन आई से सब लोग का आंसर आया था ये वाले का? राइट, ओके. नाउ यूजुअली फर्स्ट क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स हैव इज, सर नैव को कितने डेसिमल में लिखना है? सो लेट मी टेल यू, यू कैन राइट नैव इन फोर डेसिमल प्लेसेस. सो नैव फोर डेसिमल प्लेसेस. एंड क्या म्यूचुअल फंड का यूनिट्स डेसिमल में आ सकता है? वेल द आंसर इज यस यस यस. अच्छा इसका देखो अभी सेकेंड पार्ट. इफ द फंड इज सोल्ड विदाउट अ लोड, व्हाट इज द सेल प्राइस? लोड का मतलब कमीशन, लोड का मतलब कमीशन. फॉर यू गाइज राइट नाउ इट इज अ कमीशन. सो अगर विदाउट कमीशन बेचा तो कितने में बेचेंगे? तो वही सेल प्राइस इज इक्वल टू नैव. ठीक है, सो इधर एक नोट लिख देते अपन, अज्यूमिंग अबव म्यूचुअल फंड इज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड इज एट नैव. ठीक है, तो दोनों पार्ट आंसर हो गए हैं अपने. एंड विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चन. चलो अब एक खाली नोट लिखवा रहा हूं मैं, या इसको अपन लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके डन. अब एक नोट लिखवा रहा हूं दैट समझो. समझो अपने को नैव पर यूनिट, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब सुनो. सपोज कोई इन्वेस्टर आता है, सपोज कोई इन्वेस्टर आता है
एंड टेल्स दैट आई वॉन्ट टू परचेज द म्यूचुअल फंड ऑफ दिस कंपनी, यूनिट्स ऑफ दिस कंपनी, कितने में बेचोगे आप उसको? 10.4925, उसके पास 1,00,000 रुपया है, तो आप उसको कितना यूनिट्स दोगे? सपोज इन क्वेश्चन वन एन इन्वेस्टर कम्स टू म्यूचुअल फंड कंपनी विद रुपीज 1,00,000, विद रुपीज 1,00,000, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी इश्यूड टू द म्यूचुअल फंड? To the mutual fund company. Bolo. You should buy the mutual fund company. To the investor. तो कहना इसे 1,00,000 रुपया लाया है वो, बराबर है, डिवाइड बाय नैव पर यूनिट, सो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी इश्यूड by mutual fund company, so it will be 1,00,000 received for investment divided by net asset value per unit as on date of investment. ठीक है, so कितना number of units issue करोगे? कितना number of units issue करोगे? Amount received for investment upon NAV per unit. Got it guys? So ये अपना आ जाएगा rupees 1,00,000 divide by रुपीज 10.4925 पर यूनिट, इक्वल टू 9530 point. अब ये देखो कितने सारे डेसिमल्स में आ रहा है, units. Correct? अब यहां पे अपन लोग लिख सकते हैं number of units can be in decimal इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड. ठीक है, एंड अपन लोग यूजुअली 2 decimals ले सकते हैं. टेक टू डेसिमल्स. देयरफॉर 9530.62 units. Got it, guys? 2 decimals तक ले सकते हैं.
चलो इधर तक सब लोगों को सब कुछ क्लियर है, जिसको भी जो भी लिखना था लिख लिया उसने। डन डन, इधर तक डन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर। एग्जाम्पल आओ, अब से फॉर एग्जाम्पल मेरा एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और मेरे इस म्यूचुअल फंड का सीआईओ आप हो। सर सीआईओ क्या होता है? सीआईओ का मतलब होता है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। क्या बोला? चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। सो लेट्स स्टार्ट। अन चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ही वो होता है जिसका रोल होता है टू कैलकुलेट नैव ऑफ अ म्यूचुअल फंड, कैलकुलेट द नैव ऑफ अ म्यूचुअल फंड। तो मैं अगर आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूं और लॉजिकली बोलता हूं एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैलकुलेट द नैव, विल यू बी एबल टू डू इट गाइस? ट्राई करेंगे? यस yes? चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। सपोज यू आर द CIO, CIO मतलब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, चीफ चीफ ऑफ SK म्यूचुअल फंड, कैलकुलेट इट्स नेट। ओके ठीक है, अब मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं, सिचुएशन के बेस पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो वी आर नाउ एंटरिंग इनटू अ सिचुएशनशिप, जहां पे मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, उस सिचुएशन को आपको फॉलो करना है। आइए लेट्स स्टार्ट। से फोर से दिसंबर को मेरा क्लोजिंग नैव, ठीक है, नैव एवरीडे कब पब्लिश होता है? So, यहां पे तुम लोगों को बोला था एंड ऑफ ट्रेडिंग टाइम, मतलब 3:30 PM अप्रॉक्स। सो इधर लिख सकते हैं अपन लोग क्या, नैव इज कैलकुलेटेड एवरी डे एट एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन अप्रॉक्स 3:30 PM। डज इट चेंज एवरी सेकेंड? नो। डज इट चेंज एवरी डे? यस। कब चेंज होता है वो? अप्रॉक्स 3:30 PM एवरी डे। आर वी क्लियर एवरीवन? यस। चलो अब 4 दिसंबर क्लोजिंग नैव ₹15। फिफ्थ अगस्त को 7:30 AM सुबह के, ठीक है, ओपन एंडेड फंड अपना 5 दिसंबर, सॉरी सर नॉट अगस्त, से 5 दिसंबर को 7:30 AM
अ क्लाइंट कम्स, अ क्लाइंट कम्स विद रुपीज 12 लाख टू परचेज म्यूचुअल फंड ऑफ आर कंपनी. You issue him appropriate number of mutual fund units. ठीक है, ओके. आगे एक होता है, कुछ कहानी बाकी है अभी, देखते जाओ. फिफ्थ डिसेंबर 10:30 बजे, ये क्या था, 9:30 AM से 11:30 AM, बिग बॉस का घर 11:30 बजे. फिफ्थ डिसेंबर एट 11:30 AM क्या हो रहा है, क्लाइंट कम्स टू सेल हिज म्यूचुअल फंड. Client comes to sell 20,000 units of his mutual fund. Fifth December. Mutual fund company receives dividend of rupees 1,50,000 from one of its investment companies, from one of its investment in equity shares, from one of its equity share investment. ठीक है, ठीक है, ओके. से एट 2 PM receives a dividend of rupees 1,50,000 from one of its equity share investment at 2 PM. 2 baje usko milta hai, theek hai. And finally, last benefit jo usko mil raha hai, wo hai related to portfolio appreciation. रुपीज 5 लाख पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन फ्रॉम येस्टरडे टू टुडे. ठीक है ना, फ्रॉम येस्टरडे टू टुडे.
चलो कम ऑन, क्या आप लोग इसका नैव कैलकुलेट कर पाओगे? कैलकुलेट इट्स डे एंड नैव. कम ऑन गाइस, टेल मी, कैन यू स्टार्ट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो ये आप लोगों के लिए एक थॉटफुल क्वेश्चन है दैट यू हैव टू सॉल्व इन द ब्रेक. जी हाँ, ये ब्रेक का क्वेश्चन है. ठीक है, फोटो ले लो इसका, ब्रेक में इसको सॉल्व करके आना है. और लेता हूं मैं यहां पे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद. चलो, नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग एट 4th डिसंबर, 4th डिसंबर को आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना था भाई? अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बोलो. वो मैंने लिखा है नहीं है क्या? ट्वेंटी लाख यूनिट्स. तो इधर लिख देता हूं, क्लोजिंग नैव ऑन 4th डिसंबर एंड क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है, चलो अब अपन मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. जब अपन ब्रेक के बाद मिलेंगे तब तक आपका ये सम सॉल्व हो जाना चाहिए. ओके गूगल ड्राइव वालों, तुम लोग का भी. चलो सी यू ऑल आफ्टर द ब्रेक. फोटो लेना है ले लो, पिक ले लो, पिक ले लो. चलो सी यू ऑल आफ्टर द ब्रेक.